हेलो। आज मैं आपसे बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सब लोगों ने अलग अलग कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए होंगे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजेस के हॉस्टल में रहना शुरू किया होगा। कुछ लोग ऐसे प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे होंगे जहाँ पर उनको अलग अलग तरह की व्यवस्थाएँ मिल रही होंगी। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, हॉस्टल लाइफ की विशेषताएँ और हॉस्टल लाइफ के चैलेंजेस, हॉस्टल लाइफ की समस्याएँ। जब व्यक्ति हॉस्टल में रहना शुरू करता है, इनिशियल डेज में ऐसा लगता है शुरुआत के महीने दो महीने तक जैसे काला पानी की सज़ा उनको मिल गई है, क्योंकि उनके साथ जो रूम पार्टनर्स रहते हैं कभी वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अलग अलग आदतें होती हैं, अलग बोली होती है, अलग उनके विचार होते हैं, उनके खाने पीने की स्टाइल अलग होती है, उनके कपड़े पहनने, उनकी गंदगी करने की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको बर्दाश्त नहीं होती हैं, उनके कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इस तरह से हम परेशान रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मैं रूम छोड़ दूँ, हॉस्टल छोड़ दूँ एंड रूम पार्टनर चेंज कर दूँ, नया रूम पार्टनर ढूंढ करके लाओ, नया रूम पार्टनर और बेहतर होगा, नए लोग और बेहतर होंगे, इस तरह के भ्रम हमको होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे हम हॉस्टल लाइफ में जो चीज़ सीखने के लिए आए होते हैं वो सीख नहीं पाते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आदमी हॉस्टल में सीखता है वो है खाने पीने का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच। क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है कि जो जहाँ पे आप खाना खाने जाते हैं तो हॉस्टल का जो मेस होता है या डाइनिंग हॉल होता है, वहाँ पे खाने में वो चीज़ें मिलती हैं जो बहुत बार हमको बिल्कुल नापसंद होती है जब हम घर पे रहा करते हैं। एक ही सब्ज़ी रोज़ अथवा हफ्ते भर लगातार, महीने भर लगातार, कई कई बार तो तीन तीन चार चार महीने तक उसी तरह का खाना, उसी तरह का रोटी सब्जी आपको, उसी तरह की चावल दाल आपको रेगुलरली मिलती रहती है और हम परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी उनको समझ में नहीं आता है कि हमने जो पैसा पे किया है वो पैसा एग्जैक्टली पे किसके लिए किया हुआ है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो हॉस्टल में रहने गए हैं, जो आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ हॉस्टल में रह करके आप रहते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, भाषाओं को जानते हैं, एक्सेंट को जानते हैं, लोगों की बोली को जानते हैं, लोगों की भाषा को समझते हैं, खाने पीने की स्टाइल डेवलप करते हैं, रहन सहन की स्टाइल डेवलप करते हैं, आप अपना काम खुद करते हैं, रूम्स खुद साफ करते हैं, अपना बिस्तर खुद ठीक करते हैं, अपनी चादर खुद ठीक करते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, ये सारी चीज़ें हमको धीरे धीरे आने वाले जो मार्केट में जो चैलेंजेज हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो चैलेंजेज आप फेस करने वाले हैं उसके लिए तैयार कर रही होती हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हॉस्टल को पूरी तल्लीनता के साथ आप उसको एक्सेप्ट करें। हॉस्टल में आप इस तरह से रहें जैसे हॉस्टल आपको सही तौर पे एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे आपको लोगों के साथ रह करके एक डाइवर्सिफाइड लोगों के साथ रहने की एबिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत जो होती है कल की प्रोफेशनल लाइफ में, उस चीज़ के लिए आपकी एबिलिटी डेवलप होती है, आपकी जो दूसरी एबिलिटी डेवलप होती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स या नौकरी के सिलसिले में, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जिस बिज़नेस में आप काम करते हैं, उस बिज़नेस के सिलसिले में दुनिया के अलग अलग कोनों में जा कर के, देश के अलग अलग कोनों में जा कर के आपको रहने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे न जाने किस तरह की रहने की व्यवस्था है, किस तरह के खाने की व्यवस्था है, किस तरह के आसपास के लोग हैं, किस तरह के आपके टीममेट्स हैं, आपके टीममेट्स के अप्रोच क्या है, आपके टीममेट्स के थॉट प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए हॉस्टल लाइफ आपको तैयार करती है। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो लोग भी हॉस्टल में नहीं रहते हैं, अभी भी घर पर रह के पढ़ाई करते हैं, वो अभी भी वक्त है आने वाले सेमेस्टर से अथवा आने वाले ईयर से हॉस्टल में रहें, हॉस्टल में दो तीन साल रह करके अपने आप को तैयार करें और एक बेहतर प्रोफेशनल के तौर पर कल की मार्केट के लिए तैयार हों। इसके साथ ही मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आपके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आप इसी तरह से देखते रहें डॉक्टर पवन द्विवेदी के यूट्यूब चैनल्स को। धन्यवाद।